अपने कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर भी देता है लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते। उसी तरह जिस तरह 100 गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जो हम कर्म करते हैं उसी तरह का हमें फल मिलता है। तो अच्छे कर्म करिए और राधा नाम जप करिए।